किच ऑनलाइन ज्ञान के एक और नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन फेज थर्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन के लिए स्टार्ट हो चुका, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका लगभग सभी कॉलेजों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी अपना एडमिशन करवा चुका है, पेमेंट भी करवा चुका है, लेकिन उन्हें अपना सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है। मान लीजिए वो अपना सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए नोटिस ये एप्लीकेबल है। और मान लीजिए ऐसे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन करवाया ही नहीं है, मतलब वो फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए अगर वो एडमिशन करना चाहेंगे तो ये उनके लिए नोटिस है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, एक अंतिम मौका आप समझ लीजिए। यहाँ पे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल है जहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से जो भी कॉलेज में आप एडमिशन एप्लीकेशन करना चाहेंगे, पहले उनको उस कॉलेज में आपको विजिट करना है। गूगल में आप अपने कॉलेज का सर्च करेंगे, उसके वेबसाइट में विजिट करेंगे और वहाँ पे जाकर के देख लेंगे जो भी उस कॉलेज से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वहाँ पे आपको सभी तरह की जानकारी अपडेट मिल जाएगा। बात करेंगे इसका एप्लीकेशन करने का प्रोसेस क्या है। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा आने वाला सभी अपडेट आपको मिल पाए। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट में आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। यहाँ पे आपको दो डिटेल मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ एप्लीकेशन शेड्यूल, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल डिटेल मिल जाता है, जो अभी एप्लीकेशन और जो एडमिशन होने वाला है इसके बारे में सभी डिटेल यहाँ पे आप देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे कहा जा रहा है जो वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया, जिसके बारे में कैटेगरी वाइज डिफरेंट हमें देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे एग्रीगेट 45% मार्क्स बोला गया। इसके साथ में SC ST के लिए यहाँ पे 40% मार्क्स का डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोट बिफोर बिगनिंग विद द एप्लीकेशन प्रोसीड्योर। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जो पॉइंट है उसके बारे में कवरअप किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले जो भी यहाँ पे डिटेल है इसे आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ के देख लेना चाहिए, काफ़ी सारा यहाँ पे पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बारे में भी डिटेल है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल कहा गया है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज कलर फोटो बोला गया है, सिग्नेचर भी लगेगा, 10+2 का मार्कशीट चाहिए, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का मार्कशीट, और इसके बाद यहाँ पे यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में EWS सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो दे सकते हैं और पर्सन विथ डिजेबिलिटी PWD सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे भी डिटेल है, देख सकते हैं। सभी डिटेल को आप एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपने कभी पहले नहीं किए हैं तो। अगर आपने पहले कभी किए हैं तो यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि मेरे केस में वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाला हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक कर दिया। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो डिटेल हमें लगने वाला इसके बारे में देखिए डिटेल बताया जा रहा है। सबसे पहले जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उस कोर्स का यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेशन अभी एक्टिव है 24-25 BA, इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहूँगा और यहाँ पे कास्ट का जो डिटेल जो भी मेरे लिए एप्लीकेबल होगा उसके बारे में यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके साथ में ABC ID जो कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट करना है इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिटेल आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कि एप्लीकेंट का नेम है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम टाइप करना पड़ेगा एज पर योर मार्कशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है एकेडमिक के अकॉर्डिंग उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो भी बोर्ड्स आपने पास किए हैं वो भी यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना। और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका क्लास 12 एडमिट कार्ड में मिल जाएगा यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद पास आउट ईयर यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आपका रोल नंबर प्रोवाइड करना होगा जो आपका एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है एडमिट कार्ड रोल, तो एडमिट कार्ड में आपको रोल मिलेगा और यहाँ पे एडमिट कार्ड का नंबर, इस तरह से आपको पार्ट पार्ट यहाँ पे एंटर करना है जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है।
उसके बाद यहाँ पे आपका जो मार्क्स है एज पर योर क्लास 12 का मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी मार्क्स को बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, मार्क्स जो आपका ऑब्टेन है, तो जो भी मार्क्स ऑब्टेन है उसके बारे में यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सेकेंड लैंग्वेज जो भी आपका मार्क्सशीट के अकॉर्डिंग जो होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 3 प्रेफरेंस मिल जाता है, तो जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे, आप सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंस मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में अगर वो प्रेफरेंस सीट्स अवेलेबल होगा तो उसमें आपका मेरिट लिस्ट में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली आपको हर एक प्रेफरेंस को सब्जेक्ट यहाँ पे जो देख सकते हैं सिलेक्शन कर लेना है। कि मान लीजिए आप मेजर जो ऑनर्स लेके पढ़ने वाले हैं वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे 3 प्रेफरेंस को आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल डिक्लेरेशन बताया जा रहा है जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद आप ये डिक्लेरेशन में या चेकबॉक्स में क्लिक कर लेंगे। इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं बताया हूँ, फिर से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, डिटेल एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपका मोबाइल में भी SMS आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है इसे आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि बाद में आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट लॉगिन है इसमें आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन को अभी बाकी का डिटेल दे करके कम्प्लीट करना है। जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप इंटर करेंगे और लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है, देखिए आपका पर्सनल डिटेल जो अभी यहाँ पे फिल करना है और बाकी का स्टूडेंट डिटेल और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और फाइनल यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये सब स्टेप्स जो है अभी आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिटेल फिल है जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डिटेल यहाँ पे फिल किया था फिल है, और बाकी का कुछ डिटेल यहाँ पे आपको मैनुअली यहाँ फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा आधार नंबर जो कि मैंडेटरी है, रेड है, स्टार मार्क है जो कि इंपॉर्टेंट है, डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे। ईमेल आईडी भी आपको रेड है यानी कि स्टार मार्क है, ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा आपका कुछ और भी डिटेल, जैसे मान लीजिए आपका फादर नेम क्या है, आपका मदर नेम क्या है, जो भी डिटेल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सभी डिटेल को प्रोवाइड करना है। इसके साथ में सभी डिटेल जब आप प्रोवाइड कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपसे कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जा रहा है, तो आप अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नेम, IFSC कोड, MICR कोड, अगर आपको नहीं मिलता है तो गूगल में सर्च करेंगे IFSC कोड डाल करके, तो वहाँ पे आपको आपका जो बैंक का MICR कोड है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि कई बार हमारा जो पासबुक है वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से जो भी डिटेल यहाँ पे कहा जा रहा है सभी डिटेल को प्रोवाइड करना है। इनमें से देखिए कुछ जगहों पे स्टार मार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे प्रोवाइड करना होगा। जो स्टार मार्क नहीं है उसके बिना डिटेल भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे जो राशन कार्ड का डिटेल बताया जा रहा है, तो APL BPL जो भी कैटेगरी का आपका राशन कार्ड डिटेल है उसे भी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट डिटेल प्रोवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्कूल स्टैंड किया उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे और बाकी का जो भी डिटेल, जो भी आपका स्ट्रीम जो भी था जैसे कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स 12 में, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेजर ऑनर्स आपका सब्जेक्ट जो जिसके लिए आपको जिसको लेकर के अभी आपको स्टडी करना है, इसका जो भी डिटेल यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है सभी डिटेल को सही तरीके से यहाँ पे देना है। चूँकि यहाँ पे आपको 3rd प्रेफरेंस टोटल मिल रहे हैं, देख सकते हैं प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3rd। तो इस तरह से मान लीजिए अगर आप 1st प्रेफरेंस में पॉलिटिकल साइंस लेते हैं और बाकी का 2 प्रेफरेंस में भी सेम सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको तीनों ही प्रेफरेंस जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, जो ऑनर्स रहेगा जिसे लेकर आपको स्टडी करना है, उसे आपको यहाँ पे डिफरेंट देना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट के लिए उसका जो सीट अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिपेंड करता है। तो उसी तरह से नीचे में आपको जो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी सेमेस्टर्स हैं उसके लिए भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग से जो भी आपको सब्जेक्ट यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो स्टडी करना चाहेंगे, जिसके लिए जिसे लेकर के आपको प्रिपेयर करना है, उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है।
इस तरह से यहाँ पे आपको सभी डिटेल देखने को मिल जाता है। याद रखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। हो सकता है इसके बाद आपको मौका ना दिया जाए। अगर आपको मॉडिफाइड करना है, आपको स्टडी करना है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे आपको इस टाइप से इस ऑप्शंस मिल रहा है जो इस साल से हमें देखने को मिल रहा है। तो जो चीज़ जो यहाँ पे ऑप्शंस जो आपको मिले हैं उसका आपको पूरा फ़ायदा उठाइए, आप यहाँ पे सही से एप्लीकेशन करिए ताकि काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह से सभी डिटेल जब यहाँ पे आप फिल कर लेते हैं तो देखिए नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है जो कि आप पैक भी कर सकते हैं या फिर आप सबमिट भी कर सकते हैं या रिसेट भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है जो अभी तक आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनली एप्लीकेशन करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। वैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है और यहाँ पे अभी आपको लिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज है, क्या फॉर्मेट है, इस तरह से सभी डिटेल आपको मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाइड नहीं कर पा रहे अपने ही मोबाइल से तो आपको बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। इसका प्रोसेस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आई बटन में डिटेल क्लिक करके देख सकते हैं। आपको इस वेबसाइट में यहाँ पे विजिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट जब यहाँ पे आप अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का एक बार वेरिफिकेशन कर लेना है, व्यू डिटेल में क्लिक करके देख लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, तो जो भी डिटेल्स है इसे आप एक बार वेरीफाई करेंगे, पढ़ के अच्छी तरह से देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ मॉडिफाइड करना चाहिए तो मॉडिफाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये प्रीव्यू है, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे PDF फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपडेट जो हमने आपको बताया कि कैसे फेज थर्ड के लिए आप न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं या यदि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर चुके हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा सभी अपडेट आपको मिल पाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।